सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। अब ये बात तो आप सभी को पता ही है कि पाकिस्तान में एक नई सरकार आ चुकी है और वहाँ के अब नए प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। अब वैसे कहने को तो पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन फिर भी बड़े कमाल की बात है कि पाकिस्तान में आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं जिसने अपने 5 साल के कार्यकाल को कभी पूरा किया हो। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की मिलिट्री है एक्चुअल में वही उस कंट्री को चला रही है, या यूं कहें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पाकिस्तानी मिलिट्री का जो इन्फ्लुएंस है वो हद से ज्यादा है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ, तो उन्हें पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ही सिलेक्ट किया है। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जो सस्पेंशन है तो उसके पीछे भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ ही है। अब इमरान खान और पाकिस्तानी आर्मी चीफ के बीच क्यों नहीं बनी वो एक अलग मुद्दा है और उस पर हम कभी और बात करेंगे, लेकिन आज हम खास करके बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान की आर्मी का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किस हद तक इन्फ्लुएंस है और पाकिस्तान में मिलिट्री रूल का क्या इतिहास रहा है। और इसके साथ कुछ पॉइंट्स ये भी डिस्कस करेंगे कि किसी भी देश की मिलिट्री को आखिर क्यों उस देश के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस एपिसोड में हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं तो उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल हमारे ऑथर द्वारा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defenseexp.com पर पब्लिश किया गया है। तो जिन्हें ये जानकारी लिखित में चाहिए तो वे हमारी वेबसाइट पर जाकर इसके रिगार्डिंग आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और बाकी अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आर्मी की भूमिका का क्या इतिहास रहा है। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पाकिस्तानी आर्मी का जो हस्तक्षेप है वो सबसे पहले शुरू हुआ था 1958 की शुरुआत में, और उस समय पाकिस्तानी आर्मी के प्रमुख थे जनरल अयूब खान, जो कि बाद में पाकिस्तान के सेकंड प्रेसिडेंट भी बने, और इन्होंने ही पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप की शुरुआत करी। और जनरल अयूब खान के नेतृत्व में 1956 के संविधान द्वारा स्थापित संवैधानिक शासन को समाप्त कर दिया गया था, और फिर इसी के बाद पाकिस्तानी मिलिट्री ने पाकिस्तान में तख्ता पलट की 3 बार स्थिति पैदा करी, अक्टूबर 1958 में, जुलाई 1977 में और अक्टूबर 1999 में। इसमें से जो सबसे पहला मिलिट्री कूप था तो उसमें पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा ने संविधान को निरस्त कर दिया और मार्शल लॉ की घोषणा कर दी, और जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया। और फिर कुछ दिनों बाद जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा को ही उखाड़ फेंका, और यही वो घटना थी जिसके बाद से पाकिस्तान में सेना हमेशा से ही नियंत्रण में रही है। और फिर जनरल अयूब खान के बाद जनरल याह्या खान ने भी यही किया, और 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर तक अयूब खान और याह्या खान के अंडर में जो पाकिस्तान था वो मिलिट्री रूल में रहा था। लेकिन जब 1971 में पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से हारा और जो पाकिस्तानी आर्मी के 93,000 सोल्जर्स ने इंडियन मिलिट्री के सामने सरेंडर करके वर्ल्ड वॉर के बाद सरेंडर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया, तो ये वॉर उस समय पाकिस्तानी आर्मी के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। और फिर 1971 वॉर में मिली बहुत बुरी हार के बाद 1972 में पाकिस्तान में एक नया संविधान अपनाया गया, और तब पाकिस्तान को मिला अपना एक नया प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो। लेकिन पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो लंबे समय तक नहीं टिक पाया। जब जनरल जियाउल हक ने एक रक्तहीन तख्तापलट की स्थिति में सत्ता संभाली और मार्शल लॉ के तहत पाकिस्तान में शासन किया, और जिसके तहत पाकिस्तानी मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में काफी हद तक बढ़ने लगी थी। और हाल कुछ ऐसा हो गया था कि पाकिस्तान की मिलिट्री पाकिस्तान में जरूरी सर्विसेज को मैनेज करने से लेकर स्टेट ओन्ड स्कूल्स की निगरानी, जनगणना करना, नॉन मिलिट्री रोड्स बनाना, इस तरह की एक्टिविटीज तक में इन्वॉल्व हो चुकी थी। और फिर इसके बाद जब 1999 में पाकिस्तान में फिर से मिलिट्री कूप की स्थिति बनी, तब उस समय जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान को टेकओवर किया और खुद ही को पाकिस्तान के राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और तो और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आर्मी का जो कंट्रोल था उसे और भी मजबूत करने के लिए जनरल मुशर्रफ ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को स्थापित किया, जो कि पाकिस्तान की एपेक्स एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे आमतौर पर फॉर्मर मिलिट्री पर्सनल द्वारा ही रन किया जाता है, और इसे का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत कई सारे अपोजिशन लीडर्स को पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में पार्टिसिपेट न करने देने के लिए उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाता है, और इसी तरीके से सिक्योरिटी पॉलिसीज पर अपनी पावर को मेंटेन रखने और मिलिट्री के लिए हमेशा एक स्ट्रांग बजट रहे, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जनरल मुशर्रफ ने फिर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी क्रिएट करी, जिसमें सभी पाकिस्तानी मिलिट्री सर्विसेज के चीफ इंक्लूड थे, और इस काउंसिल का काम है डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज के बारे में डिसीजन लेना, ताकि पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग में मिलिट्री के रोल को और बढ़ाया जा सके। और आज का समय कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक प्रशासन के तहत जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उसका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन इतना व्यापक और इतना गहरा हो गया कि इतना तो ये तब भी नहीं था जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ रिजीम थी। और इस तरीके से शुरू से लेकर अभी तक पाकिस्तान की मिलिट्री
बस इस बात को साबित करने की कोशिश में है कि कैसे एक सिविलियन गवर्नमेंट के रूप में देश की मिलिट्री भी सफलतापूर्वक शासन करने में सक्षम रही है। और अपनी इसी हरकत को सही ठहराने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री ने हमेशा से कश्मीर इशू और भारत की तरफ से होने वाले किसी संभावित हमले के डर को बना के रखा। और अपनी इसी विचारधारा के साथ पाकिस्तान ने इस बात का डर पैदा किया कि देखिए, अगर आपके देश की मिलिट्री मजबूत नहीं होगी तो हमारे देश का अस्तित्व मिट जाएगा। और पाकिस्तान की सारी हरकतें एक ही चीज पर टिकी थी, जिसकी वकालत पाकिस्तान के लगभग हर एक सेना प्रमुख ने बार बार करी है, और वो है इस्लाम। और इस्लाम के नाम पर ही पाकिस्तान ने राष्ट्रीय एकता के रूप में काम किया और भारत के साथ होने वाले अंतहीन संघर्षों में अपने देश का समर्थन भी हासिल किया। हालांकि भारत के साथ पाकिस्तान के जितने भी संघर्ष हुए, जितने भी युद्ध हुए, उसमें पाकिस्तान ने अपना सब कुछ खो दिया। और अंत में पाकिस्तानी आर्मी की जो विचारधारा थी, ये उनके लिए ही एक आपदा के रूप में साबित हुई। और अब हम ये बात करते हैं कि आखिर किसी भी देश की मिलिट्री को उस देश के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखिए, किसी भी देश की जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, उनका मुख्य काम होता है देश की राष्ट्रीय सीमाओं को किसी बाहरी आक्रमण से बचाना, ताकि देश की जो संप्रभुता है, जो सुरक्षा है, वो सुनिश्चित रहे। और बाकी इसके अलावा आपदा के समय देश की सिविलियन गवर्नमेंट की मदद भी करना। और नॉन मिलिट्री मैटर्स में टाइम और मैन पावर के मामले में मिलिट्री की जो एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट है, उसे हमेशा ही आर्म्ड फोर्सेस के लिए एडवाइजेबल नहीं माना जाता है। क्योंकि मान लीजिए, अगर किसी भी देश की मिलिट्री अपने वहाँ के गवर्नमेंट को उखाड़ फेंक कर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर अपना खुद का ही कंट्रोल कर ले, तो उससे होगा यह कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ही पावर को लेकर कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। और जैसे कि हमने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस का मुख्य काम होता है बाहरी आक्रमण से देश को सुरक्षित रखना, पर अगर आर्म्ड फोर्सेस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में ही इन्वॉल्व होना शुरू कर दे, तो इससे करप्शन की पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। और अगर करप्शन बढ़ेगा, तो वो आर्म्ड फोर्सेस का जो एक डिसिप्लिन होता है, उसे पूरी तरीके से खत्म कर देगा। इसके अलावा ये भी होगा कि देश के नागरिकों का जो अपनी आर्म्ड फोर्सेस के प्रति एक विश्वास होता है, तो वो विश्वास पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि अगर किसी देश की मिलिट्री सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप करना ज्यादा शुरू कर दे, तो उससे कंडीशन ये भी बन सकती है कि जब सिविलियन गवर्नमेंट अथॉरिटी को संभालेगी, तो फिर उसके अंदर इस बात को लेकर संदेह हमेशा रहेगा कि वो उस देश की आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटीज को मजबूत करे या नहीं। और इससे सिविलियन अथॉरिटी और मिलिट्री लीडर्स के बीच एक बहुत बड़ा मिसट्रस्ट पैदा हो जाएगा, और जो कि देश की राष्ट्र सुरक्षा के हित में नहीं है। इसी तरीके से जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री के डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी होती हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट, लिबर्टी, तो ऐसे में उस देश में आर्म्ड फोर्सेस द्वारा तख्तापलट करने से उस देश की स्वतंत्रता को एक बहुत गंभीर झटका लगेगा। और फिर इन संस्थानों के पुनर्निर्माण में और इन संस्थानों में लोगों के विश्वास को बहाल करने में कई दशक तक लग सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी देश की मिलिट्री अपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा हस्तक्षेप कर रही है, पावर को अपने हाथ में ले लिया है, तो फिर उससे पावर के मिसयूज होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, और वे कुछ भी गलत करेंगे तो वो कभी भी सामने नहीं आ पाएगा, और इस सबका सीधे तौर पर असर पड़ेगा देश के विकास पर। और बाकी अगर आपको लाइव एग्जांपल देखना ही है, तो आप पाकिस्तान को देख सकते हैं। और इसलिए अगर इस पूरे निष्कर्ष पर जाएं, तो ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में वहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में मिलिट्री की जो एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट होती है, वो हमेशा ही देश के लिए घातक साबित होती है। और हाल ही के कुछ इवेंट्स ने इस बात को तो साबित कर ही दिया है कि पाकिस्तान के जो नेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें पाकिस्तानी आर्मी का कंट्रोल किस हद तक बढ़ चुका है। हालांकि पाकिस्तान में जनरल्स ने डायरेक्टली कंट्री को रूल नहीं किया है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से वही उसके पीछे रहते हैं। और हाँ, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इस मामले में हम सभी भारतवासी बहुत ही भाग्यशाली हैं, जिन्हें फील्ड मार्शल KM करियप्पा जैसे कई सारे कमाल के मिलिट्री लीडर्स मिले हैं, और जिन्होंने स्पष्ट रूप से मिलिट्री की जो एक भूमिका होनी चाहिए, उसे निर्धारित किया है। और जैसे कि फील्ड मार्शल KM करियप्पा की तरफ से कहा गया है कि सेना का काम राजनीति में दखल देना नहीं है, बल्कि चुनी हुई सरकार के प्रति पूर्ण निष्ठा देना होता है। और यही एक वजह है कि हम सभी अपनी ग्रेट इंडियन आर्म फोर्सेस पर गर्व महसूस करते हैं, जो राजनीति से दूर रहती है, संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करती है, और राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से काम करती है। और हमारी आर्म फोर्सेस ने हमेशा से ही इस देश के प्रति अपनी निस्वार्थ सेवा के साथ सर्विस बिफोर सेल्फ के सिद्धांत को हमेशा साबित किया है। और इसके साथ उन्होंने इस बात को भी हमेशा साबित किया है कि देश हमेशा सबसे पहले आता है, नेशन ऑलवेज फर्स्ट। और बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को भी एंड करना चाहेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।